गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? ज़रूर बताएं, अच्छे होंगे। आज हम लोग जो जैसा कि मैथ का मैं सीरीज चला रहा हूँ, मैथ के में हमने 2.1 को अच्छी तरह से समझा था। पीछे के वीडियो आप ज़रूर देख लें, पीछे के वीडियो में मैंने पूरी बात बताई है, एक एक क्रम को मैंने आपको समझाया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब इसके आगे हम लोग 2.1 के जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको हम 2.2 के जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको हम अच्छी तरह से देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो मैं एक बार आपको बता दूं कि क्लियर है सारा चीज़ें, ठीक है? तो देखते हैं, सबसे पहले अपन जो बात करने वाले हैं तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। फाइंड द क्वाड्रिक पॉलीनोमियल इज विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब एक द्विघात बहुपद खोजें जिसमें प्रत्येक संख्या क्रमशः उसके शून्यांक के योग और गुणनफल के रूप में दी गई है। तो देखो, पहली बात तो शून्यांकों का योगफल के रूप में दी गई है और गुणांक फल के रूप में दी गई है ना? तो मैं आपको बताया था कि एक हमारा फार्मूला होता है जिसके हिसाब से, जैसे ए एक्स स्क्वायर हो गया, इसके बाद देखिए मैं आपको बता रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा में यहाँ पे एक्स होता है और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। यानी एक सूत्र जो मैं बता रहा हूँ, ये फार्मूला है जो कि शून्यांकों का योगफल रहता है हमेशा और इसमें शून्यांकों का गुणनफल रहता है, ठीक है? इसके बाद अपन देखें आगे की बात, तो देखेंगे इसमें, तो अपन देखेंगे इसमें ए एक्स स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे चुपचाप अपन एक्स स्क्वायर बस रखेंगे, एक ही जगह पे हम कुछ नहीं रखने वाले हैं इसमें, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ए नहीं रखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे केवल एक्स स्क्वायर रखेंगे। क्या रखेंगे जल्दी बताइए? एक्स स्क्वायर रखेंगे और प्लस फिर क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्य। पहला क्या बोला गया? शून्यांकों का योगफल। इसका मतलब ये जो है, यानी अल्फा, यहाँ पे मैं समझा दूँ थोड़ा सा आपको, अल्फा प्लस बीटा इसका मान दिया है 1/4, ठीक है ना? और मैं आपको एक बात और बता दूँ, अल्फा इंटू बीटा इसका मान जो दिया गया है वो -1 दिया गया है, क्लियर है? अब देखिए इसमें वैल्यू जब रखेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का योग जैसा अभी हमने देखा 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है अपन अभी हम देखे -1 है, क्लियर है? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी। अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें जो भी चर्चा है, अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो अपन देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया और प्लस 1/4x और इन दोनों का ब्रैकेट अगर देखेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब क्या होना चाहिए? अब देखिए इसकी क्रॉस गुणा होगी, क्रॉस गुणा में 4 का यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी होगा, और ये कहीं ना कहीं किसके बराबर होता है भैया? ये कहीं ना कहीं 0 के बराबर होते हैं, ये भी हमें भूलना नहीं है। तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो ये 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 4x² हो जाएगा और यहाँ एक्स है ही है और -1 बराबर हो जाएगा 0। तो समझ में आ गया होगा मैं जो बताने वाला हूँ, इसमें क्लियर हो गया है, ठीक है? तो ये आपका मतलब वो दो द्विघात बहुपद थे वो आपको क्लियर हो गया है, ठीक है? चलते हैं अब देखिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे इसमें क्या है, तो देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, जी हाँ अल्फा प्लस बीटा का योग कितना दिया गया है? तो अभी कहेंगे सर √2 दिया गया है, वेरी गुड। अब दूसरा हमेशा गुणनफल होता है, मल्टी प्रोडक्ट होता है, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर 1/3 यानी 1/3 होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करने के बाद हम ये बताएंगे आपको एक एक क्रम से। तो देखिए यहाँ पे एक हमारा फार्मूला है जैसा मैंने आपको बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? 0। तो देखिए यहाँ पे अपन एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही सीधा सीधा, प्लस अल्फा प्लस बीटा के मान कितना होता है? तो √2, और ये इसके बाहर एक्स है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? 1/3 होता है, बराबर क्या होता है बेटा? 0 होता है, ठीक है? अब हम यहाँ पे समझेंगे यहाँ पे क्या होता है, ठीक है? क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या समझने वाले हैं कि देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है ही है और यहाँ पे √2x और प्लस 1/3 = 0 होता है। अब इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 होता है, इनके बीच का जब हम
क्रॉस वो मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन देखेंगे 3 का मल्टीप्लाई तो 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और इसका 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अंडर रूट 2x हो जाएगा, और प्लस 1, और पूरे का क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 3, और ये कहीं ना कहीं किसके बराबर होता है, 0 के। अब ये बताइए ये 3 जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो श्योर आपके सामने एक चीज़ आती होगी कि 3x² प्लस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाता है, जल्दी बताइए, 0। तो ये आपका एक जीरोस प्राप्त होता है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये आप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये था बेटा आपको समझाने की कोशिश मैंने किया, और इसके बाद ये आपका समीकरण बनेगा, इक्वेशन, जो तो आपका पॉलिनोमियल था, बहुपद था, वो ये था। क्लियर है, तो ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट अपन देखेंगे, तो देखिए अपन नेक्स्ट थर्ड वाले क्वेश्चन को अगर समझें तो इसमें भी देखिए, पहला वाला हमेशा सम होता है, दूसरा वाला हमेशा प्रोडक्ट होता है। तो सम ऑफ जीरोस बराबर क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो माइनस बी अपान ए होता है। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी अपान ए होता है, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमारा जो समीकरण है, तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है जल्दी बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे देखा जाए तो 0 है, इसलिए यहाँ पे हम 0 रख देंगे, और यहाँ पे ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है भैया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अंडर रूट 5, इस वजह से यहाँ पे x रहेगा और यहाँ पे अंडर रूट 5 इसका आंसर होगा बराबर 0। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे, तो नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें तो क्या बनना चाहिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नहीं होगा क्योंकि 0 किसी नंबर का 0 हो जाता है वो नंबर, प्लस अंडर रूट 5 बराबर 0, इसका मतलब आपका आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 इक्वल टू 0, इसका सही आंसर ये होगा। क्लियर है, तो ये आपका बन गया, समझ में आ गया होगा, तो ये चीजें हैं, ठीक है, चलिए ठीक है ना, सही। तो अपन देखें तो ये चीजें हैं इस पे, ठीक है, चलिए ठीक है।